तेलंगाना के टीआरएस नेताओं द्वारा जैन संत और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रतापगढ़ में सकल जैन समाज ने रोष व्यक्त करते हुए रैली निकाली और ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व नगर परिषद सभापति कमलेश दोषी और भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने शहर के नया मंदिर से आक्रोश रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए इन्होंने सूरज पोल चौराहों पर प्रदर्शन किया। यहां पर तहसीलदार सतीश पाटीदार को राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बीते दिनों तेलंगाना के टीआरएस नेताओं द्वारा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने और चर्चा में बने रहने के लिए दिवंगत दिगंबर जैन मुनि आचार्य तरुण सागर एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ओछी भाषा का प्रयोग किया गया। जैन संत हमेशा प्राणी मात्र की कल्याण की कामना करते हैं, जीव दया का भाव मन में रखते हैं। संतों के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी से जैन समाज आहत है। जैन समाज जो कि आज से नहीं हजारों लाखों वर्षों से अहिंसक मार्ग पर चलता हुआ पूरी दुनिया में शांति का संदेश देता है और ऐसे एक मुनिवर तरुण सागर जी जो कड़वे प्रवचन के नाम से विख्यात था और उन्होंने केवल जैन का नहीं बल्कि जैनेतर के कल्याण के लिए पूरे दुनिया में घूम करके पूरे देश भर में घूम करके भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आज एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ राजनीतिक दल जो तेलंगाना में है उन्होंने गुरुदेव की समाधि होने के बाद गुरुदेव का देवलोक गमन होने के बाद उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है निश्चित रूप से अहिंसक जैन समाज के ऊपर एक ये हमला है और आज हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और आज इस निंदा को ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज ने राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन के माध्यम से इस आहत के बारे में इस घटना के बारे में चेतावनी दी है कि ऐसे अहिंसक समाज को यदि इसी प्रकार शाब्दिक हमलों के माध्यम से बार बार परेशान किया गया तो निश्चित रूप से अहिंसक समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। धन्यवाद। प्रदेश में TCR द्वारा हमारे राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की और तरुण सागर जी महाराज साहब के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके जिस प्रकार से जैन समाज को आहत करने के लिए TCR द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया वह असहनीय है। उसके विरोध में प्रतापगढ़ सकल श्री संघ द्वारा आज यहां पर विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया एवं मांग की गई कि उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जैन समाज को अपमानित करने के बारे में जो दुस्साहस किया गया आगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि कोई ऐसे कृत्य नहीं कर सके। प्रतापगढ़ से दिलीप सेन की रिपोर्ट।